हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर्स सेल्स सिमुलेटर। तो पिछले वाले एपिसोड में आप सबने देखा होगा कि हमने 10 ऑडी आर एड जमा की थी। हाँ, एक मेरे को सब्सक्राइबर ने बोला था कि आपने 10 ऑडी आर एड जमा करो, तो मैंने 10 ऑडी आर एड जमा की थी। तो आज हम ये करने वाले हैं कि अपनी जो ये सारी ऑडी आर एड है उसको मॉडिफाई करवाएंगे और उसको अपने शोरूम में रखने वाले हैं। और आज बढ़िया से अपने सारी कारों को सेल करने वाले हैं भाई। अपने सारी जितनी भी कार है वो सारी कार को हम लोग सेल करने वाले हैं। तो आओ चलो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से एक एक ऑडी को लेते हैं और एक एक ऑडी को मॉडिफाई करते हैं फटाफट से भाई। बढ़िया वाली ऑडी भाई, अपने 10 ऑडी आर एड हो चुके। अपने पास पैसे देखो खाली 9,82,000 डॉलर ही बचे हुए हैं मेरे पास। तो वो सब भी मेरे को करना है। इसका चेक कर लेता हूँ, इसका डैमेज है क्या इसमें कोई भी। हाँ, इस पर डैमेज तो नहीं है। जो जो कार डैमेज, एक काम करता हूँ पहले इधर जो कार खड़ी हुई है वो सारी रिपेयर हो चुकी है क्या। जो जो रिपेयर हो चुकी है उसको फटाफट से बाहर निकाल देते हैं। हाँ चलो, दोनों की दोनों गाड़ी हो चुकी है। ये देखो अपनी निसान GTR, एक इधर भी एक निसान GTR खड़ी हुई है। ये निसान GTR भी बेचने के लिए ही है, और एक निसान GTR मैं अपने पास रखने वाला हूँ। काम करते हैं, अभी के लिए फिलहाल निसान GTR को मैं इधर पार्क कर देता हूँ भाई। पहले अपनी जितनी भी ऑडी R8 है वो सारी ऑडी R8 को अपने मॉडिफाई करवा के रख देते हैं शोरूम में। सारी कार रख देते हैं, फिर एक साथ ही अपने सेल करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, मैं दो एपिसोड से बोल रहा हूँ कि अपने कार सेल करना स्टार्ट करेंगे। आज तो भाई मैं फाइनली कार सेल करना स्टार्ट करने ही वाला हूँ, आप लोग देखते जाओ। तो फटाफट से अपनी पहली ऑडी R8, एक काम करते हैं उधर चलते हैं। जितनी भी ऑडी R8 डैमेज है उसको अपने पहले रिपेयर पे भेज देते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए यार, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये चेक करते हैं, ये भी डैमेज नहीं है। ये चेक करते हैं, ये डैमेज है तो इसको फटाफट से इधर मैं रिपेयर पर भेज देता हूँ। ये गाड़ी चेक करते हैं, ये भी डैमेज है, फटाफट से इसको भी रिपेयर पर भेज देते हैं। चलो तो इधर आए हैं तो ये कार भी लेके चलते हैं फटाफट से ताकि अपना काम यार जल्दी से जल्दी हो सके। यार मेरे को जल्दी से जल्दी काम करना है और मेरी बहुत सारी कार इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या तीसरा माला भी बना दूँ। तीसरा माला शायद तक आज नहीं बन पाएगा भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर मेरे को एडिट करने में मेरी वाट लग जाती है। तो सारा तो आज नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, जितना हो सकता है अपना उतना ट्राई करेंगे आज। चलो फटाफट से कार भी तो सेल करनी है ना, बहुत सारी कार है आज तो वो भी सेल करनी है फटाफट से। पहले ये कार मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई करवा के रखी है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये कार तो मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई करवा के रखी हुई है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बाकी रह गया हो तो। भाई मेरे को तो लग रहा है कि मॉडिफाई करवा के रखी है भाई, ये पूरे पूरी कार मॉडिफाई है। अभी इसको मॉडिफाई करवाना है भाई। चलो इसको फटाफट से मॉडिफाई करवाते हैं, बाद में दोनों को एक साथ क्लीन करेंगे और दोनों को कलर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से करते हैं भाई। ये गेम फ्रीज हो चुकी है क्योंकि गेम सेव हो रहा है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको ताकि आपको लगे ना कि आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत है। आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत नहीं है, ये गेम में ही दिक्कत है। देखो भाई अभी कितना टाइम लेगी वो मेरे को आइडिया नहीं है। फटाफट से सेव हो जाए तो बढ़िया वाली बात है भाई, जल्दी से सेव। चलो हो चुकी है सेव। हाँ, इसमें रेसिंग किट तो लगी हुई है। नॉस तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है मेरे को, वो तो मेरे को पता है। इसका सस्पेंशन पूरा डाउन कर देते हैं और ये हो चुका है। अभी व्हील्स में तो अपने बढ़िया वाले व्हील्स अपने यही वाले लगाते हैं अपने हर बार, तो यही वाले लगाएंगे। ये कार को क्लीन कर देते हैं फटाफट से भाई। मेरे को वापस से जुकाम हो गया है भाई, मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, मेरे को जुकाम पे जुकाम हो जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है भाई। ठीक हो जाता है तो 2 दिन बाद वापस से जुकाम लग जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा अभी ढंग से, तो ही कुछ हो पाएगा। ये चलो ये कार क्लीन हो चुकी है, फटाफट से इसको लेके चलते हैं, फटाफट से इसको पेंट करवाते हैं। और एक कार बाहर भी खड़ी हुई है उसको भी मेरे को पेंट करवाना है भाई, जो कि बहुत भाई बहुत लंबा टास्क है ये सब करना। भाई आप लोगों को लगता होगा बहुत ईजी है भाई, वैसे मज़ा बहुत आता है ये गेम खेलने में मेरे को, इसीलिए मैं ये गेम खेलता हूँ ज़्यादातर। कौन सा कलर करवाए इस भाई, येलो येलो इस कलर करवा देते थोड़ा बढ़िया लगेगा। आइए भाई, इस पर पॉलिश ही नहीं है थोड़ा, भाई पॉलिश कर भाई इसको, ये कार पॉलिश। हाँ ऐसे ये पॉलिश होती है तभी बढ़िया लगती है ये कार। चलो तो इसका येलो कलर हो चुका है, फटाफट से इसको बाहर रखते हैं। एक काम करते हैं, पहले सारी ऑडी आ रहे थे उसको पहले मैं मॉडिफाई करवा देता हूँ, मतलब कि कलर वलर करवा के रेडी कर देता हूँ, उसके बाद। भाई ये रुकी क्यों नहीं, अरे यार ये गाड़ी रुकी क्यों नहीं भाई। चलो 0.5% डैमेज, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, डैमेज से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फटाफट से चलते हैं भाई। 0.5% डैमेज मतलब तो कुछ नहीं हुआ ना यार, पर मैंने W दबाया था या ब्रेक मारी थी, पर ब्रेक लगी नहीं पता नहीं क्यों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फटाफट से इसको भी क्लीन करते हैं भाई। जब से ये मैंने ये अपना स्प्रे लिया है तब से भाई, स्प्रे बोलते हैं इसको, फुहारा बोलते हैं, जो बोलना है आप बोलो भाई, इससे गाड़ी तो जल्दी क्लीन हो जाती है गाइस, वो बात तो है बढ़िया वाली। चलो अभी फटाफट से इसको भी मैं करूँ भाई। ये कांच का, ये रेड कलर और ब्लैक कलर जैसा कांच क्यों दिख रहा है भाई, अंदर ला के सही दिख रहा है भाई, इधर धूप में ले जाओ तो भाई रेड और ब्लैक कलर जैसा कुछ दिख रहा है, इसको मैं ब्लू कलर करवा देता हूँ। चलो फटाफट से ब्लू कलर हो चुका है इसको पूरा भाई, इसको इतना ही कलर रहने देते हैं।
चल भाई चल, फटाफट से इसको भी अपने बाहर निकाल लेते हैं। और दो कार अपने गैराज में पड़ी हुई है तो उसको भी फटाफट से करवाते हैं। भाई मैं सारी कार अभी के लिए ऐसे तैसे इधर ही रख रहा हूँ भाई, बाद में सारी कारों को अपने अच्छी जगह पे रख देंगे। चलो ये दो ऑडी आर एट और खड़ी हुई है, फटाफट से एक एक ऑडी आर एट को लेके चलते हैं। आइए चलो ये ऑडी आर एट को लेके चलते हैं पहले फटाफट से। भाई इसमें तो क्या टायर लगाया है भाई, घटिया वाले, वो ट्रक वाले, वो रिक्शा वाले टायर, वो थ्री रिक्शा आती है ना, थ्री व्हील वाली रिक्शा, वैसे टायर रखा के रखे है भाई ये बंदे ने। भाई किससे खरीदी थी, मैं कोई अजीब ही बंदा होगा कोई। रेसिंग किट डाल दे, नोज डाल दे, क्या सस्पेंशन भाई डाउन कर दे फटाफट से। भाई ये माउस मेरा पता नहीं क्यों 2 दिन से मेरा माउस दिक्कत दे रहा है मेरे को। चलो वो तो वही है, अभी इधर अपने टायर अपने बढ़िया वाले लगा देते हैं और फटाफट से इसको इधर ही क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए फटाफट से इसको क्लीन करते हैं ताकि बढ़िया वाली क्लीन हो जाए और अपनी कार सारी की सारी हो जाए बढ़िया वाली, बाद में इन सारी कारों को शोरूम पे रखेंगे, बढ़िया हो जाएगा गाइस। अपने पास अब बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आज तो बहुत बढ़िया वाला प्रॉफिट होने वाला है। चलो तो फटाफट से ये कार भी हो चुकी है, इसको क्लीन करते हैं फटाफट से। क्लीन तो करना क्या, क्लीन तो हो ही चुकी है, फटाफट से इसको कलर करवाते हैं, अभी बढ़िया वाला कलर करवाते हैं। आइए भाई इसको कौन सा वाला कलर करवाए, भाई पिंक वाला कलर करवा दे। चलो एक बार पिंक कलर भी करवा के देखते हैं कितनी अच्छी लगती है, वो भी तो देखते हैं ना। चलो पिंक कलर करवा देते हैं इस बार, पूरा का पूरा स्मूथनेस इसका मेटालिक कर देते हैं पूरा। ये भाई नॉट बैड यार, ये भी बढ़िया लग रही है वैसे तो। चलो फटाफट से इसको मैं बैठता हूँ, इसको भी कार में एक काम करते हैं, इसको फटाफट से लेते हैं और इसको भी अभी के लिए मैं इधर रख देता हूँ। भाई 3 कार हो चुकी है, अभी अपने को 10 कार करनी है यार, 10 कार करनी है। और ये सब जो कार मेरी बाहर पड़ी हुई है उसको भी मेरे को मॉडिफाई करवाना है सारी कारों को, और फिर सारी कारों को रखना है मेरे को उधर अपने शोरूम पे। और एक काम करते हैं भाई, ये कार को मॉडिफाई करवाते हैं फिर एक बार चेक करके आते हैं भाई, ड्रैग रेस चेक करके आते हैं, ड्रैग रेस चेक करके आते हैं, उधर भी तो कोई बढ़िया कार आई होगी ना, अगर आई होगी तो बढ़िया वाली बात है, ड्रैग रेस भी कर लेंगे। भाई देखो कार तो मेरे को बहुत सारी चाहिए क्योंकि मेरा शोरूम बहुत बड़ा है, तो मेरे को बहुत सारी कार चाहिए रही होगी। वो भी एक है कि मेरे को बहुत सारी कार चाहिए क्योंकि फिर शोरूम भरा हुआ लगना चाहिए ना यार, फिर खाली खाली शोरूम मज़ा नहीं आता ऐसे। और मेरे को तो पहले से ही, मैं पहले एपिसोड से ही बोल रहा हूँ, पहले मतलब जब से शोरूम का अपडेट आया तब से बोल रहा हूँ कि मेरे को एकदम भरा हुआ शोरूम चाहिए यार। उसके बाद जो कार सेल करेंगे उसके बाद जो पैसे मिलेंगे ना भाई, तगड़े वाले पैसे मिलेंगे भाई, तगड़े वाले पैसे मिलने वाले। पर अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जितनी कार है उतनी कार तो अपने सेल करते हैं, बाद का बाद में देखा जाएगा। वैसा भी एक वीडियो बना दूंगा, पहले सारी कार कलेक्ट करेंगे, पूरा शोरूम भर जाएगा, उसके बाद अपने सारी कारों को सेल करेंगे, वैसा भी कुछ करेंगे। पर अभी के लिए फिलहाल जो है अपने पास उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। हाँ इसको मैं रेड कलर करवा देता हूँ, रेड कलर की है अपने ऑलरेडी एक अपने पास ऑडी आर एट, पर कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी भी करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, तो इतना मेटालिक करते हैं। चलो ये कार भी हो चुकी है, अभी एक काम करते हैं, कितनी कार हो चुकी है अपनी टोटल, चार चार कार या पाँच कार अपनी, नहीं 4 कार हो चुकी है, तो चौथी कार को मैं इधर रखता हूँ। फटाफट से चलते हैं अपनी निसान GTR निकालते हैं और फटाफट से पहले काम करते हैं, ड्रैग रेस में जाके आते हैं, ड्रैग रेस में देख के आते हैं कि ड्रैग रेस में कोई बढ़िया वाली कार आई है कि नहीं। इसको भी पहले क्लीन कर देता हूँ गाइस, मेरे को यार स्किल पॉइंट भी चाहिए, तो ऐसे क्लीन करते रहे, बाहर वाली गाड़ी में क्लीन करता हूँ, अंदर जो जितनी भी गाड़ी रखी हुई है अपना बंदा क्लीन कर देता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा भी अपना अच्छे से काम करता है भाई। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 2 मिनट वेट करना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले क्लीन हो जाए कार उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हो गई क्या क्लीन, हो जा भाई फटाफट से क्लीन हो जा, फटाफट से क्लीन हो जाए। आइए चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको मेरे शोरूम का बिल दिखाता हूँ, बिल देख के आप लोग चौंक जाओगे भाई। बिल देखो मेरा 1,76,067, 1 लाख नहीं, हाँ 1 लाख है, देखो भाई इतना सारा बिल क्यों आ रहा है मेरा, 1 लाख का तो बिल है, पे कर देते हैं ना कोई दिक्कत। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, ये गेम सेव हो रहा था, चलो इसको पे कर देते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं भाई, इतना सारा बिल आया हुआ है तो पे तो करना पड़ेगा ना। चलो बिल पे कर दिया, अभी बिल की कोई झंझट नहीं है, अभी फटाफट से चलते हैं। मेरे पास 7,90,000 हो चुके हैं भाई, बहुत बड़ा बिल आया था गाइस, बहुत बड़ा बिल आया था भाई। अपनी निशान कितनी चमक रही है यार, बहुत दिनों के बाद साफ की है इसलिए ऐसा लग रहा है, बहुत बहुत चमक रही है। और रेस में कोई कार आई हुई है, हाँ ये घटिया कार आई हुई है भाई, पता नहीं कोई शेरवलेट की है कोई पुरानी वाली कार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने फटाफट से चलते हैं वापिस से शोरूम में और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे काम करता हूँ, मैंने 4 कार तो कर ली है, बाकी की 6 कार एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी कार पड़ी हुई है मैं सारी की सारी कार पहले मॉडिफाई करवा लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ भाई, ताकि टाइम कम हो और आपको देखने में भी मज़ा आए, मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ कर पाऊँ तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो एक काम करते हैं, ये फटाफट से मैं सारी जितनी भी कार है वो सारी की सारी कार में पहले मॉडिफाई करवाता हूँ
फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो चलो गाइस, मैं ऐसे ही बस अपना वो काम कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं सारी गाड़ियां मॉडिफाई करवा रहा हूँ, तो बस मैं ऐसे ही इधर ड्रैग रेस चेक करने आ गया था। और ये देखो भाई, ये डॉज वाइपर की तो मेरे पास खजाना होने वाला है भाई, सच बता रहा हूँ, डॉज वाइपर का तो मेरे पास खजाना होने वाला है भाई। आप लोगों को मानोगे नहीं कितनी है मेरी 11वीं या 12वीं डॉज वाइपर है, समझ रहे हो आप भाई, डॉज वाइपर तो मिले ही जा रही है, डॉज वाइपर पे डॉज वाइपर मिल रही है, समझ रहे हो आप भाई। मैं तो ऐसे ही बस गेड़ी लगाने आया था, मैं थोड़ा देख लेते हैं भाई ड्रैग रेस में कोई बढ़िया वाली कार होगी तो अपने आएंगे इधर रेस करने। जैसे ही मैं रेस करने आया, इधर मेरे को डॉज वाइपर दिख गई, तो भाई डॉज वाइपर हो और अपने ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? अरे कभी नहीं हो सकता, डॉज वाइपर तो भाई चाहिए ही चाहिए। तो आ चुके हैं हम वापिस से रेस करने डॉज वाइपर के साथ, आओ चलो देखते हैं जीतते हैं कि हारते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब जीतेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अपने जीत चुके हैं। तो चलो फटाफट से रेस स्टार्ट होती है, तो अपने रेस कंप्लीट करते हैं। और एक डॉज वाइपर हो चुकी है, इसको फटाफट से इसको भी लेके जाना पड़ेगा, इसको लेके जाएंगे, इसको बेच देंगे भाई, बहुत सारी डॉज वाइपर हो चुकी है, इसको बेच देंगे। देखो एक मैं अपने पर्सनल के लिए रखने वाला हूँ डॉज वाइपर, आप लोगों को पता है, वो तीसरा वाला बनाने की मैं सोच रहा हूँ यार, अगले वाले एपिसोड में अपने बना ही देंगे, इसके बाद वाले एपिसोड में बनाने वाला हुआ है, तीसरा माला बना ही देंगे भाई, तीसरा माला बढ़िया रहेगा, उसमें सारी अपनी जो कलेक्शन वाली कार होगी वही सब रहेगी बढ़िया वाली, तो मज़ा आ जाएगा। चलो ये रेस तो आराम से जीतने वाले अपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेट शिफ्ट क्यों हुआ भाई, लेट शिफ्ट क्यों हुआ, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी जीत चुके हैं। चलो एक और डॉज वाइपर आ चुकी है अपने हाथ में, बढ़िया वाली बात है। और मैं तीसरा वाला बनाऊंगा गाइस, मैं बनाऊंगा इसके बाद वाला एपिसोड में बनाने ही वाला हूँ मैं, आप लोग देखते जाओ। उसमें मैं क्या करूंगा पता है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ करने वाला हूँ। अगला एपिसोड आपको मिल जाएगा उसका, आप लोग वेट करो, इसका बाद वाला एपिसोड आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत बढ़िया मैंने डिज़ाइन सोच के रखा है अपने तीसरे माले के लिए, वही मैं करने वाला हूँ। हाँ चल फटाफट से स्टार्ट हो जा, अभी मेरे को बहुत सारी कार तो मॉडिफाई करनी है गाइस, अभी तो मॉडिफाई मैं कर ही रहा था और मैं तो आ गया था इधर खाली। भाई इतना लैग क्यों कर रहा है गेम भाई, ये गेम इतना लैग क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत, ये कार को वापस इधर रख देते हैं, माजदा RX-7 को भी इधर ही रहने देते हैं, माजदा RX-7 अपना एक ही है, माजदा RX-7 वो भी थोड़ी एक दो मिल जाए और तो मज़ा आ जाएगी माजदा, पर यार माजदा में रिक्स रहता है यार, इसलिए मैं ड्रैग रेस में माजदा को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, रिक्स रहता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ये डॉज वाइपर को भी लेके चलते हैं और मैं सारी कारों को मॉडिफाई करवा देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ वापस से। तो चलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारी ऑडी R8 थी उसको मैंने मॉडिफाई करवा दिया, अभी एक एक करके उसको रखते हैं अपने शोरूम में। और हाँ, ये सारी कारों को मैंने इधर रख दिया है भाई, इधर मेरे को ये सारी कार अभी मॉडिफाई करवानी है, पर पहले मैंने ऑडी करवा ली अपनी सारी, ऑडी को मेरे को ऊपर माले पे रखना है तो उसमें टाइम जाने वाला है, तो फटाफट से अपने एक एक करके सारी ऑडी को रखवा देते हैं अपने ऊपर वाले माले पे, दूसरे माले पे। तो चलो एक एक करके चलते हैं, सारी ऑडी को रखते हैं। और अभी मैं एक डॉज वाइपर भी जीत चुका हूँ रेस में, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखा ही होगा, क्योंकि मैं डाल दूंगा वो क्लिप अलग से है थोड़ी, तो उसको मैं डाल दूंगा पहले, तो आप लोग वो पहले देख लेना, आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो चलो एक ऑडी R8 है, इसको फटाफट से ऊपर लेके चलते हैं भाई, ऐसा तो मेरे को 10 ऑडी R8 ऊपर लेके आनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बातें करते करते लेके आ जाएंगे। और मेरे को है ना, ये स्पेस खाली लग रहा है, ये स्पेस खाली लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर यार गेम वापस से फ्रीज हो गई, इधर और एक कार में रख दूँ बढ़िया वाली, इधर एक बढ़िया वाली कार, इधर एक फरारी रख देते हैं गाइस, क्या बोलते हो? वो एक फरारी पड़ी हुई है अंदर, वो एक फरारी रख देते अपने इधर भाई, फरारी इधर रख देते ताकि सारी कार हो जाए अपने इधर। मैंने दो डॉज वाइपर रखी है, देखो दो दो डॉज वाइपर इधर मैंने रखी हुई है, अभी के लिए फिलहाल तो ऑडी को रखते हैं। चलो फटाफट से ऑडी को रखते हैं यार। हाँ ये रहा देखो इधर, ये मेरे को हटाना है यार, ये हटा दूँ क्या? ये सोच रहा हूँ ये जो पोस्चे पड़ी हुई है ना, वो मेरे को हटा देना चाहिए। एक काम करते हैं, वो पोस्चे वाला जो है उसको हटा देते हैं, वो कुछ काम का नहीं है अभी के लिए, वो खाली खाली जगह घेर रहा है। हाँ इसका भाई एक काम करते हैं भाई, ये क्या हो रहा है, गाड़ी में बैठ जा, अरे गाड़ी में बैठ जाना भाई, ये गाड़ी हटानी है मेरे को। चलो ये गाड़ी को पहले हटा देते हैं फटाफट से, ये हटा देते हैं, अभी इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, ये नहीं चाहिए मेरे को अभी। एक काम करते हैं, इसको मूव करवा देते हैं वहाँ पे, क्योंकि अपने को उधर एक गाड़ी रखनी है ना। ये क्या हुआ, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, ये क्या है, बैक हो जा भाई, ये मेरे को नहीं, मेरे को इसमें जाना है। हाँ चलो एक काम करते हैं, ये जो है इसको मैं मूव करवा देता हूँ फटाफट से, इसको मूव करना है। ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये क्या है, अरे ये क्या हो रहा है गाइस, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई, मेरा माउस नहीं चल रहा है क्या, क्या दिक्कत आ रही है, मेरा माउस नहीं चल रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है भाई। ये बंदा रात को भी काम करता है गाइस, इसकी पगार मेरे को बढ़ानी पड़ेगी,
ये बंदा रात को भी बढ़िया से मेहनत कर रहा है, ये क्या हो रहा है यार? ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है क्या? वो कार अवे टू डिलीट। अरे यार ये गाड़ी बीच में खड़ी है, इसकी वजह से हो रहा है क्या? अरे यार मैं कब का इधर ट्राई कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा था। अभी पता चल रहा है कि कार मेरे को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा। भाई पहले ही बता देते मेरे को यार, इतना मैं कंफ्यूज नहीं होता, मैं कितना कंफ्यूज हो गया था। अभी तो हो जाएगा ना? हाँ अब हो जाएगा यार। ये भी यार अजीब है यार। चलो एक काम करते, इसको एक को इधर लगा देते, इधर एक भी कार नहीं दिख रही थी, थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो इधर एक लगा देते। अभी इधर एक काम करते हैं, इधर फरारी आएगी अपनी, इधर एक फरारी आए भाई, ये तो फिर जगह बहुत घेर लेगा यार, जगह बहुत घेर लेगा। एक काम करते इसको हटा ही देते, छोड़ो इसको हटा देते, नहीं रखनी है मेरे को फरारी इधर, तो हटा देते हैं फटाफट से। चलो ये हट चुका है, अभी फटाफट से बाहर आ जाते हैं और एक एक करके अपनी सारी ऑडी रखना स्टार्ट कर। एक काम करते पोस्टे को इधर लगा देते हैं अभी के लिए, ताकि पोस्टे दिखती रहे। भाई ये गोल्ड कलर की पोस्टे बहुत खतरनाक दिख रही है, इसको मैं इधर लगा देता हूँ अभी के लिए फिलहाल। हाँ इधर लगा देते, चलो ये बढ़िया है, इधर लगा देते भाई, ताकि बंदे भी इधर निशान GTR के पास भी तो बंदे आएंगे ना भाई। ये भी तो मैं सेल करने वाला हूँ, इसको थोड़ी रखने वाला हूँ मैं, इसको भी मैं सेल करने वाला हूँ। अभी एक काम करते हैं, अभी ये कार को फटाफट से रखते हैं ढंग से और फिर सोने चले जाएंगे। इसको मैं इधर से रखना स्टार्ट, भाई ये क्या है, इसको मैं इधर से रखना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा नहीं इधर से नहीं पूरा चिपका के, क्योंकि भाई कस्टमर को आने की जगह तो बहुत है इधर, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर आ जाएंगे, कस्टमर को आने की जगह बहुत है। पूरा चिपका के लगाने वाला हूँ मैं पीछे, सही लगी है ना? हाँ चलो सही से लग चुकी है। अभी फटाफट से एक काम करते हैं, इधर से नीचे चलते हैं और फटाफट से पहले सोने। भाई भाई ये फरारी पीछे कैसे आ गई? फरारी तो आगे से रहे भाई, तू गिर जाएगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी फिर, सारी गाड़ियाँ ढंग से है ना भाई, सारी गाड़ियाँ नीचे क्यों आ जा रही है? तो ऊपर से लगाना, और ऊपर से लगाते थोड़ा, ताकि बढ़िया तरीके से रहेगा इस। और ये निशान GTR ये तो बराबर है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इधर अपनी दो कार और पड़ी हुई है, उसको भी मेरे को सेल करना है। अभी फटाफट से चलते हैं, पहले पहले सोने चले जाते हैं फटाफट से, ताकि दिक्कत ना हो फिर। चलो फटाफट से सोने चले जाते हैं। एक काम करता हूँ मैं, चला जाता हूँ सोने के लिए अपने कंटेनर में। भाई मैं कंटेनर में ही जाता हूँ ज़्यादातर सोने, भाई वो बढ़िया रहता है यार, वो घर तक जाने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी। फटाफट से चले जाते हैं और सो जाते हैं। ये किसका प्रॉफिट हुआ भाई, 5500 किसका प्रॉफिट हुआ? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, ये प्रॉफिट किसका हुआ है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, याद भी नहीं आ रहा है मेरे को। अगर आपको आपने देखा और आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है किसके पैसे मेरे क्रेडिट हुए हैं, 5500 रुपये, रुपए नहीं सॉरी डॉलर। अभी एक काम करते हैं, पहले ड्रैग रेस देख के आते हैं। चलो ड्रैग रेस देख के आते हैं भाई, क्योंकि मेरे को कार भी तो यार कलेक्ट करनी है ना, मेरा शोरूम भी तो भरना है। जैसे जैसे कार सेल करते जाएंगे वैसे वैसे कार भी तो चाहिए होगी ना और ज़्यादा, इसीलिए ड्रैग रेस चेक करके आना अच्छा, अच्छी बात है। रेस नहीं करूँगा, अगर रेयर कार होगी तो ही मैं रेस करूँगा, वरना मैं रेस नहीं करूँगा, वरना मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। हाँ कौन सी कार है? चलो दोनों घटिया कार है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फटाफट से अपने चले जाते हैं, और इधर एक माजदा पड़ी हुई है और इधर भी एक डॉज वाइपर पड़ी हुई। भाई डॉज वाइपर तो मेरे पास बहुत सारी है भाई, मैं खाली तीन डॉज वाइपर अपने पास रखने वाला हूँ, तीन तीन भी नहीं दो ही रखने वाला हूँ मैं भाई, दो ही डॉज वाइपर रखने वाला हूँ आई थिंक, तो दो ही, हाँ दो ही रखने वाला हूँ। चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं अभी। अभी और मेरे को ऑडी रखनी है भाई, और कितनी ऑडी रखनी है अभी मेरे को, बहुत सारी ऑडी रखनी है भाई, बहुत काम है। फटाफट से ये काम कंप्लीट करते हैं, चलो बाद में वो जो कार है अंदर उसको भी तो मेरे को मॉडिफाई करवाना है भाई। इसको मैंने नीचे क्यों नहीं बुलाया, रुको इधर से ही बुला लेता हूँ भाई। भाई उसको मैंने नीचे क्यों नहीं बुलाया यार, ये भी एक गलती, अच्छा हुआ मैंने इधर डोर लगा के रखा है, वरना तो फिर दिक्कत हो जाती। हाँ चलो नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं भाई। एक एपिसोड में मैंने देखा था कि बंदे लोग ये दरवाजे से बाहर आ रहे हैं, मैं सोचा भाई ये दरवाजे से कैसे बाहर आ रहे हो तुम लोग? भाई ऊपर इधर से कूद के आ रहे थे क्या वो लोग? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मैंने पिछले वाले एपिसोड में या उससे पिछले वाले एपिसोड में आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा था। चलो वो तो होता रहता है, ये गेम पूरा ग्लिच से भरा हुआ है, आप लोगों को भी पता है, तो ऐसे ग्लिच आते रहते हैं छोटे मोटे। देखो डॉज वाइपर पीछे चली गई है, डॉज वाइपर को भी मेरे को सही से करना है भाई, इसको मैं चिपका चिपका के ही लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, बंदे परचेस कर लेंगे भाई। वापस से गेम क्रैश हो गई, और यार ये क्रैश होने वाला, क्रैश मीन्स कि फ्रीज हो जाती है भाई, इसका मैं क्या करूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, इसका कुछ तो करना पड़ेगा यार, फ्रीज हो जाती है तो मज़ा नहीं आता भाई, मेरे को डर बना रहता है। चल भाई फटाफट से हो जाए, एक तो हमारा आधा टाइम तो इसमें ही चला जाता है भाई। ये गाड़ी को थोड़ा मेरे को अलग से रखना पड़ेगा, ताकि फिर बंदे हैं ना, बंदे भाई बंदे पूरा गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं, समझ रहे हो, बंदे पूरा गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। चलो ये दो कार लग चुकी है, अभी मेरे को और बहुत सारी कार लेके आनी है,
भाई बहुत टाइम लगने वाला है। चल भाई ये इसको मैं नीचे इधर से कूद जाता हूँ भाई, जल्दी चल कूद जा फटाफट से। और अपने को कार लानी है फटाफट से। आ ये चलो तीसरी ऑडी आर एट, तीसरी में भी हाँ तीसरी ऑडी आर एट लेके मैं जा रहा हूँ। चलो फटाफट से ऑडी आर एट को लेके चलते हैं। आ ये भाई ये ऑडी आर एट तो बढ़िया लग रही है, पिंक कलर वाली ऑडी आर एट तो बढ़िया लग रही है भाई। पिंक कलर नहीं है वैसे, ब्लू का शेड भी दे रखा है इसमें, वो भी है भाई बढ़िया, पर बढ़िया लग रही है गाइस। कुछ भी बोलो ये गाइस बढ़िया लग रही है कार भी। चलो ये कार इसको मैं रिवर्स में लेके चलता हूँ फटाफट से। इसको ढंग से लगाना है, इसको भी पेस छोड़ना है मेरे को। हाँ ये भाई भाई ये तो ढंग से लग गई एक ही बार में, एक ही बार में ढंग से लग गई। चलो इसमें से उतरते हैं अभी भाई, बहुत सारी ऑडी आर एट लानी है यार भाई मेरे को। यही काम थोड़ा बहुत बोरिंग जैसा लगता है, कार लाना फिर वो फिर लेके आने का, फिर उसको मॉडिफाई करवाने का। भाई थोड़ा बहुत ये कार ऐसा कोई बंदा रख ले तो ये लोग की कार अपनी खुद पर खुद ये अपने को जहाँ पर रखना है वहाँ पे रख सके भाई, तो बढ़िया वाला हो जाएगा ना भाई। मैं ऐसा बोलता रहता हूँ भाई, ये करना इतना इजी नहीं है भाई। डेवलपर इतना बढ़िया गेम बनाया है, वही बहुत बढ़िया वाली बात है कि डेवलपर ने इतना अच्छा गेम बनाया है भाई। ये गेम से तो मेरे को कोई शिकायत ही नहीं है वैसे शिकायत तो है, पर एक शिकायत है वो तो रहने ही वाली है, ये लोग गेम सेव होता है तभी फ्रीज क्यों हो जाता है गेम भाई। वो एक शिकायत तो रहने वाली है भाई, वो शिकायत तो परमानेंट है, जब तक ये लोग फिक्स नहीं करेंगे तब तक मैं बोलता रहूँगा ये शिकायत तो, वो शिकायत तो रहने वाली है। पर कोई नहीं, वैसे तो गेम मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, कुछ भी बोलो गेम तो बहुत भाई ये क्या है, गेम तो बहुत बढ़िया है कुछ भी बोलो, मेरे को तो ये गेम पसंद आया भाई। मैं तो खेलता हूँ भाई ये गेम, ऑफलाइन भी खेलता हूँ थोड़ा बहुत, जो कुछ होता है उसको मैं क्लिप बना लेता हूँ गाइस बढ़िया वाली, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो के थ्रू। चलो फटाफट से, और कितनी कार हो चुकी है, चार जितनी कार हो चुकी है, और अपना बंदा भी साफ करने आ चुका है जो कि बहुत बढ़िया वाली बात है। हाँ इधर की सारी कार मैंने रख दी, अभी और छः कार बाकी है गाइस, और छः ऑडी आर एट बाकी है। तो एक काम करता हूँ फटाफट से, छः की छः ऑडी आर एट को मैं ऊपर फिक्स कर देता हूँ। फिक्स क्या करता हूँ मतलब उधर सही से रख देता हूँ छः की छः ऑडी आर एट, फिर मैं आपको मिलता हूँ वापस से। तो चलो गाइस मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑडी आर एट लगा दी है अपने शोरूम में, मैंने आधी ऊपर लगाई है और आधी ऑडी आर एट नीचे लगाई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ भाई। सारी की सारी ऑडी आर एट ऊपर, मैं सोचा था नीचे भी थोड़ी लगा दूँ, तो मेरा मन हुआ तो मैंने नीचे भी थोड़ी बहुत ऑडी आर एट लगा दी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हाँ इधर कितनी लगाई है मैंने, 1 2 3 4 5 ऑडी आर एट इधर लगाई है और 5 ऑडी आर एट मैंने ऊपर पार्क की हुई है। सेल ही करनी है मेरे को सारी की सारी ऑडी आर एट, सेल ही करनी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर मैं लगा देता हूँ। चलो ऑडी सारी की सारी लग चुकी है, और अभी देखो इधर 5 ऑडी आर एट लग चुकी है। अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ भाई, अभी भी शोरूम मेरे को खाली खाली सा ही लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को और गाड़ी भरनी है ऐसा ही मन होता रहता है। और इधर मैंने रखी हुई है 5 ऑडी आर एट इधर रखी हुई है, और एक पोस्टर मेरी इधर खड़ी हुई है। तो अभी एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं, और अपनी जो उधर भी जो सारी कारें खड़ी हुई है उसको भी तो मेरे को मॉडिफाई करवाना है। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, उसको भी फटाफट से मॉडिफाई करवाते हैं, और मेरे को जो जो कार चाहिए वो कार मैं रखने वाला हूँ अपने लिए साइड पर फिलहाल के लिए। मेरे को जैसे कि चाहिए एक डॉज वाइपर मैं रखने वाला हूँ अपने लिए, और वो जो तीसरे मारे पर चढ़ाने के लिए, वो सब बात की बाद में देखेंगे। अब ये कार डैमेज है क्या, ये कार डैमेज नहीं है, कौन सी कार डैमेज है, ये डैमेज है क्या, ये भी डैमेज नहीं है। जो जो कार डैमेज है उसको फटाफट से डैमेज ठीक करवा के वो सारी कारों को मैं फटाफट से मॉडिफाई करवा देता हूँ। हाँ चलो इसका तो नहीं है, तो फटाफट से ये लेके चलते हैं अपनी। उसको मैंने टो करवा दिया भाई, उसको मैंने गलती से टो करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अभी फटाफट से लेके आएंगे। और अभी तो बहुत सारी कार पड़ी हुई है, डॉज वाइपर पड़ी हुई है वो सारी पर, वो सारी कार डॉज वाइपर और वो सारी कार में अभी उसको कुछ छेड़ने वाला नहीं हूँ, उसको अभी इधर ही मैं रहने वाला हूँ। अपनी जो ये सारी कार है वो सारी कार फटाफट से लेके चलते हैं, और इसको हम लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं भाई। अपनी जो 10 ऑडी आ रहे थे वो लेते हैं और उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। और ये जो मस्टैंग है इसको भी मैं फटाफट से ले मॉडिफाई करवा देता हूँ, दो मस्टैंग है उसको भी मैं मॉडिफाई करवा के उसको भी सेल करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट से। सेल पे भी डालना है उन लोगों को और सेल भी करना है फटाफट से। चलो तो भाई ये फटाफट से हो जाए तो फटाफट अपना सेल करना स्टार्ट कर देंगे अपने बढ़िया वाला। चलो ये हो चुका है फटाफट से, एक मस्टैंग हो चुकी है फटाफट से, इसको कलर करवाते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको कलर ना करवाओ भाई, भाई ऐसा ही बढ़िया लग रही है, छोड़ो इसको कलर नहीं करवाना है मेरे को। हाँ फटाफट से इसको मैं इधर रख देता हूँ अभी के लिए, फटाफट से चलते हैं दूसरी मस्टैंग है। एक काम करते हैं फरारी को भी लेके चलते हैं, फरारी को भी फटाफट से मॉडिफाई करवा देते ताकि ये फरारी भी बिक जाए, फिर अपने पास खाली रेयर कार ही बचेगी, बाकी सारी कार मैं बेच चुका हूँ, खाली अपने पास रेयर कार ही रहेगी, जो कि बढ़िया वाली बात है अपने पास रेयर कार रहेगी तो। चलो फटाफट से इसको मैं इधर खड़ी करता हूँ। हाँ ये चल भाई छोटू, अपने को फटाफट से जो जो चीज़ तेरे को पता है वो सब चीज़ डाल दे फटाफट से इसमें, सारे स्पेयर पार्ट डाल दे बढ़िया तरीके से डालना। आइए चल भाई इसमें व्हील्स भी डाल दे, ये बढ़िया वाले व्हील्स आ चुके हैं, फटाफट से इसको मैं क्लीन करता हूँ भाई, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ।
ताकि यार जल्दी जल्दी से कस्टमर आए। मैं देखना चाहता हूँ कितने कस्टमर आते हैं गाइस। मेरे को तो उम्मीद है कि बहुत सारे कस्टमर आएंगे अपने ऑफिस में। जिस हिसाब से मैंने कार रखी हुई है, सारा डेकोरेशन किया हुआ है, उस हिसाब से तो बहुत सारे कर भाई। इसमें से पानी तो नहीं निकल रहा है, तो ये कार कैसे साफ हो रही है भाई? ये गेम के बग्स हमेशा मिस्ट्री रहेंगे। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब कौन सा बग कब आ जाएगा भाई। इसमें बग भी बहुत खतरनाक वाले बग्स आते हैं भाई, एकदम सिंपल वाले बग्स तो आते ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपर्स को पता चलेगा वैसे वैसे वो लोग फिक्स करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये जब तक स्मूथनेस ना दो ना ये कार को, तब तक ये कार घटिया जैसी दिखती है कसम से। स्मूथनेस तो चाहिए कार को भाई। और अभी रात होने वाली है, फिलहाल के लिए तो रात होने वाली है, तो मेरे को सोना पड़ेगा फटाफट से। सोने क्यों जाए यार, ये कार हमें रखवा देते हैं। देखो अभी रात हो जाएगी, 8 बजे मतलब रात हो जाएगी। आइए, मैंने बोला था ना रात हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये दो जो कार अपने मस्टैंग और वो लाए उसको अपने रख देते हैं भाई। थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। अभी अपने कस्टमर आएंगे भाई, बहुत सारे कस्टमर आने वाले हैं। फटाफट से ये फरारी को मैं इधर लगा देता हूँ बढ़िया तरीके से। और भाई मेरे को यार अगले इसके बाद वाले एपिसोड में तो बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। इसके बाद वाले एपिसोड में मस्त अपना शोरूम का तीसरा माला बनाने वाला हूँ, जिसमें अपना खुद का माला होगा भाई, जो अपना ऑफिस रहेगा उसमें, और उसमें खाली अपनी कार ही रहेगी बढ़िया वाली, वो अपने बढ़िया वाली रहेगी। तो मैं वैसा कुछ बनाने की सोच रहा हूँ, तो अपने अगले वाले एपिसोड में, इसके बाद वाले एपिसोड में अपने देखेंगे वो वीडियो। तो भाई बहुत बढ़िया होने वाला है गाइस, तो वो वीडियो आप लोग पूरा देखना भाई, मज़ा आ जाएगी आपको वो वीडियो में। मैंने अभी से प्लान करके रखा हुआ है वो वीडियो, यही एपिसोड में मैं करने वाला था, पर ये एपिसोड में थोड़ा वो ऑडी आरेट पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा कि उसको सेल कर देते हैं जो कि बढ़िया है, बाद में अगले वाले एपिसोड में अपने शांति से अपना शोरूम को कर सके भाई। ये गाड़ी का टेंशन ना, और अपने पास पैसे भी अच्छे खासे हो, इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि पहले अपने ये कार सेल कर देते सारी। चलो फटाफट से ये हो चुका है, अभी फटाफट से पहले सोने चले जाते हैं। ये अपनी ग्रीन कलर की निसान GTR लेके मैं सोने जाने वाला हूँ। और वापस से गेम वो हो चुका है, फ्रीज हो चुका है वापस से गेम, तो फटाफट से हो जाए तो बढ़िया वाली बात है भाई। ये गेम का यार, ये सेविंग वाला अगर ये लोग फिक्स कर देना यार, बहुत मज़ा आ जाएगी कसम से बोल रहा हूँ। ये लोग फिक्स कर देना, बहुत मज़ा आ जाएगी। चलो आज अपनी ग्रीन कलर की GTR लेके मैं जाने वाला हूँ अपने घर पे भाई। ग्रीन कलर की GTR रात में इतना साइन क्यों मार रही है भाई? बहुत खतरनाक साइन मार रही है, देखो आप भाई। अगर ये लोग गेम में और एक नई कार ऐड कर देना भाई बढ़िया वाली, तो मज़ा आ जाएगा यार। इससे भी तेज़ निसान GTR से भी तेज़ कोई कार ऐड कर देना भाई, मज़ा आ जाएगी, बहुत मज़ा आ जाएगी। चलो अभी वो तो बात की बात है, डेवलपर काम कर ही रहे होंगे कोई नई कार पे। मैंने बहुत दिनों से स्टीम पे चेक नहीं किया, इसका कुछ अपडेट आने वाला है वैसा कुछ, तो आएगा तो अपने को देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फटाफट से सो जाते हैं। और यार ये मेरे को ज़ुकाम हो गया है, वो बहुत दिक्कत दे रहा है मेरे को, मेरा पूरा सिर दर्द कर रहा है भाई, सुबह से मेरा सिर दर्द कर रहा है बहुत तेज़ वाला। फिर भी यार मैंने सोचा आज मैंने वीडियो लेट बनाना स्टार्ट किया है भाई, शाम के 7 बजे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और रात के 11 बजे तक तो आपको वीडियो मिल भी जाएगा भाई। थोड़ा बहुत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग इतना मेरे को सपोर्ट दे रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है भाई, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। बस यार बंदे लोग कमेंट नहीं करते यार, पता नहीं क्यों, कमेंट करने से क्या आपको दिक्कत हो रही है? आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते भाई, कुछ दिक्कत होती है तो मुझे बताओ यार। आपको जो बोलना है वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, अच्छा बुरा मैं सबका रिप्लाई दूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बहुत सारे लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, पता नहीं उन लोग को एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है मेरा वीडियो क्या? मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, शायद तक उन लोग को एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आपको एंटरटेनिंग लगे तब आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको। पर यार लाइक और कमेंट तो किया करो यार, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ बंदे लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो बढ़िया तरीके से। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी एक मस्टैंग और खड़ी हुई है उधर, साले हरामी दिखता नहीं है क्या कि मैं जा रहा हूँ भाई? इसका AI बहुत एकदम, इसका AI बहुत डेंजर AI है, पता है आप लोगों को? ये गेम का AI है ना बहुत डेंजर है। कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ? मस्टैंग में ही बैठा हूँ ना, हाँ मस्टैंग में ही बैठा हूँ। चलो मस्टैंग को फटाफट से कलर करवा, कलर तो क्या बोल रहा हूँ, इसको मॉडिफाई करवाते, कलर तो मैं नहीं करवाने वाला, फटाफट से इसको मॉडिफाई करवाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, कितने कस्टमर आते हैं भाई। मेरे को तो लगता है 500 से ज़्यादा ही कस्टमर आ जाएंगे भाई। ये कार तो ऑलरेडी मॉडिफाई है भाई, ये कार तो ऑलरेडी मॉडिफाइड है, तो मैं इधर क्यों लेके आया इसको भाई? मैंने इसका व्हील भी चेक नहीं किया, मैं ऐसे ही गधों की तरह आ गया। अभी अपने पास कितनी, 2 2 4 5 डॉज वाइपर तो इधर खड़ी हुई है भाई, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 5 डॉज वाइपर तो इधर खड़ी हुई है मेरी भाई। डॉज वाइपर तो भाई मेरे पास बहुत सारी है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि 2-3 फ्री में बांट दूँ भाई बंदों में, ताकि अपने शोरूम का भी थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा बढ़िया वाला, और अपने को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट भी मिल जाएगा। अभी ये कार कहाँ पे रखूँ, इधर आ जाएगी? इधर तो नहीं आएगी, इसको इधर रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर बीच में लगा देता हूँ भाई, ताकि कोई दिक्कत ना हो।
दोनों साइड से। चलो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से सारी कार हो चुकी है, पहले अभी मैं दरवाजा क्लोज कर देता हूँ भाई, अभी तक खुला नहीं है शोरूम, बाद में आना आप लोग। अभी फटाफट से एक काम करते हैं, जितनी भी अपने पास कार है सारी कार को मैं सेल पे लगा देता हूँ, देखना पड़ेगा बाहर की कारों को मेरे तो सेल पे नहीं लगाना है, निसान GTR। मैं एक काम करता हूँ, चलो सारी कारों को तो पहले अभी अभी के लिए फिलहाल तो सेल पे लगा ही देता हूँ। इतना प्राइस मिल रहा है इसका, 1 मिलियन तक मिल रहा है अपने, 1 मिलियन इतना प्राइस लगा दे क्या? इतना प्राइस बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ इतना प्राइस बढ़िया रहेगा। ये दूसरी निसान GTR है, बस ये कार ऐसे फटाफट से लगाते जाते हैं अपने फटाफट से। डॉज वाइपर, डॉज वाइपर का प्राइस तो अच्छा ही मिलेगा मेरे को लगता है तब तक, 1.8 मिल रहा है, तो इसको मैं बस, इतना प्राइस तो बहुत है भाई इन लोग के लिए, इतने प्राइस में तो ऑडी RR, इसका तो फिक्स प्राइस रहता है, इसका तो फिक्स प्राइस, ऑडी RR का फिक्स प्राइस रहता है, फरारी का भी फिक्स प्राइस रहता है, वो सारी प्राइस का मैं फिक्स ही प्राइस रखता हूँ गाइस, सही से बिक जाती है भाई, वरना प्राइस ज़्यादा रखते हैं तो फिर लेते नहीं है कोई, कोई कार परचेस नहीं करता। चलो दिक्कत नहीं है, ये डॉज वाइपर दूसरी भाई, ये बाहर वाली डॉज वाइपर को मेरे को नहीं करना है, वो मेरे को ध्यान रखना है, वो होगा तो बाद में अपने देख लेंगे। डॉज वाइपर चलो बढ़िया है भाई, प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहा हूँ मैं। BMW कूप, कूप का मेरे को 151 तक मिल रहा है, तो इसका मैं 150 डाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। FerrariXXX, FerrariXXX को तो मैं भाई सेल ही नहीं करने वाला, ये कार इधर डेकोरेशन में ही रहने वाली है भाई, ये सारी कार इधर है जो वो डेकोरेशन में ही रहने वाली है, उसको मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि वो सारी कार डेकोरेशन में ही रहे। और ये डॉज वाइपर है, पहले सारी कार मैं सेल पे लगा देता हूँ, बाद में देखा जाएगा, जो कार मेरे को नहीं पर सेल करनी होगी उसको मैं ऐसे ही रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदे आएंगे देख के चले जाएंगे। मास्दा RX-7 को भी नहीं सेल करना है, ये मस्टैंग को तो सेल करना है, मस्टैंग कितने में? 69, तो इनको 70,000 में लगा देता हूँ फटाफट से, और दूसरी मस्टैंग है उसको भी मैं 70,000 में लगा देता हूँ। सबसे सस्ती कार मेरी अभी लॉट मस्टैंग ही पड़ी हुई है मेरे शोरूम पे। चलो ये लगा दी मैंने फटाफट से, सारी ऑडी R8 को लगा देता हूँ भाई, देख लेना, मेरे को ज़्यादा प्राइस भी नहीं डालना है, कम प्राइस भी नहीं डालना है, वरना बंदे तो भाई, ये बंदे लोग छोड़ते नहीं है मेरे को भाई एक भी मौका भाई, ये लोग तो परचेस कर ले भाई। एक बार मेरा नुकसान हो गया था, आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा भाई, मैंने पोस्टे 1 मिलियन में पोस्टे परचेस कर ली थी, समझ रहे हो, 1 मिलियन में पोस्टे। चलो ये सारी भाई, कितनी सारी ऑडी R8 है, फटाफट से चलो ये होगी, ये लास्ट ऑडी R8 होगी इसके बाद, चलो ये हो चुका है, ये लास्ट ऑडी R8 है फटाफट से, चलो इसको भी कर देते हैं बस। चलो सारी कारों को मैंने लगा दिया है सेल पे, सारी कार बढ़िया तरीके से मैंने, भाई ये फरारी मेरे को पता था ये फरारी नीचे आ जाने वाली है, इसलिए मैंने देख लिया अभी, बस अभी से बराबर से लगा देते हैं सही से। अभी फटाफट से एक काम करते हैं, शोरूम को ओपन करते हैं। ये चल भाई शोरूम ओपन हो जा फटाफट से, भाई ये गेम फ्रीज हो चुका है वापस से, भाई ये क्या हो रहा है भाई, फटाफट से हो जा यार, अभी मैंने ये क्या, ला फरारी F46 ऑडी RR, ऑडी RR इज नॉट रीचेबल, वॉट, वाई इट इज़ नॉट रीचेबल, चलो देखते हैं क्यों नॉट रीचेबल है। चलो ये अपना शोरूम ओपन हो चुका है और मेरे को बढ़िया सा थंबनेल लेना है गाइस, तो एक काम करते हैं पहले सारे कस्टमर को आने देते हैं गाइस, जैसे ही बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे फिर अपने बढ़िया सा इसका एक थंबनेल देंगे और सारी कारों को सेल करेंगे। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार, नहीं अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अभी जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। इधर मेरे को एक गुलाब का फूल, ये जो गुलदस्ता है ये पूरा ट्री है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग गुजराती में, तो इसको छोड़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, पौधा, हाँ पौधा मेरे को लगाना है इधर भी एक, पर पहले कस्टमर लोग को आने देते हैं गाइस, देखते हैं कितने कस्टमर आते हैं। एक काम करते हैं, उतनी देर में अपने रेस चेक करके आते हैं, क्या बोलते हो गाइस, एक काम करते हैं अपनी ये निसान GTR लेते हैं फटाफट से रेस चेक करके आते हैं, तब तक कस्टमर भी इकट्ठा हो जाएंगे बढ़िया वाले, बहुत सारे कस्टमर इकट्ठा हो जाएंगे और फिर अपने चलेंगे फटाफट से सारे कस्टमरों को डील करने। देखो भाई ऊपर तो ऑलरेडी कस्टमर जा चुके हो, अभी तो फटाफट से कस्टमर आ रहे हैं भाई मेरा शोरूम पे, तो भाई बहुत सारे कस्टमर आते हैं भाई, सबसे फेमस शोरूम अपना ही है, समझ रहे हो, ये पूरे टाउन में सबसे फेमस शोरूम अपना है। कोई अच्छी वाली बढ़िया वाली रेस नहीं आई है, कद्दू जैसी कोई कार आई हुई है मैंने देखा भी नहीं उसको ध्यान से, और देखना भी नहीं है मेरे को वो कार को। चलो अभी फटाफट से एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं भाई, बस रुक जा, वाह भाई वाह, ये क्या था, ये क्या था भाई, ये निसान GTR तो कुछ अलग ही नशे कर रही थी, क्या था ये भाई, अभी तो भाई ये बंदा कहाँ से जा रहा है, अरे तू कहाँ जा रहा है भाई, ये लोग इधर से तो नहीं जा रहे हैं ना भाई, रुको मैं इसको चेक करता हूँ, ये इधर से कहाँ जा रहा है, देखना पड़ेगा गाइस इधर से कहाँ पे जा रहा है।
ये कहाँ जा रहा है ये बंदा? अरे अरे अरे, ये बाहर बंदे क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ये बाहर बंदे क्या कर रहे हैं? ये तीन तीन बंदे बाहर आके क्या कर रहे हैं भाई? ये तो भाई इसका अलग ही कुछ लॉजिक है भाई, इसका तो कुछ अलग ही चल रहा है यार। भाई बहुत सारे बंदे बाहर भाई, ये डॉज वाइपर को मैंने लगा दिया है भाई इसलिए। भाई ये बंदे तो देखो, अरे भाई साहब बंदों की तो पूरी लाइन लगी पड़ी है। अरे भाई साहब कितने सारे बंदे आ चुके हैं, और आधे से ज्यादा बंदे तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर एक बार चेक करते हैं कितने सारे बंदे आए हुए। भाई ऊपर भी बहुत सारे बंदे आए हुए हैं गाइस, बहुत सारे बंदे। भाई बहुत सारे बंदे आए हैं सारे। ये दरवाजा किसने खोला? मैंने तो बंद करके आया था। भाई बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, बहुत सारे बंदे। चलो एक बार नीचे चेक कर लेते, एक बार नीचे कितने बंदे आए हुए हैं। भाई नीचे अभी बंदे आ ही जा रहे हैं, मैं तो आने दे रहा हूँ भाई। जितने बंदे आ रहे हैं उनको मैं आने दे रहा हूँ, बाद में सारी कार को सेल सेल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैं थंबनेल ले लेता हूँ गाइस, बढ़िया वाला एक मैं थंबनेल ले लेता हूँ, बढ़िया वाला। तो चलो गाइस, फाइनली बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं, अभी फटाफट से कार को सेल करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हाँ पहले इधर से स्टार्ट करते हैं दीदी से। हाँ दीदी, बताओ आप कितने में फरारी परचेज करना चाहती हो? फटाफट से अच्छा वाला प्राइस बताना भाई, बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, आप तो इधर पहले से ही चले जाओ। हाँ ये दीदी को या आंटी को चाहिए मस्टैंग? हाँ दीदी आप बताओ कितने में मस्टैंग चाहिए आपको? हाँ 54, बढ़िया ऑफर दे रहे हैं। 54 में इनको 65 का ऑफर दे देता हूँ। 65 में तो बढ़िया रहेगी यार, 65 नहीं तो 60,000। भाई मस्टैंग का ज़्यादा प्राइस आता नहीं है, मेरे को पता है मस्टैंग का ज़्यादा प्राइस आता नहीं है। चलो एक मस्टैंग अपनी बिक चुकी है, ये दूसरा बंदा है, इनको पूछते हैं कितनी प्राइस दे रहे हैं। भाई बहुत सारे बंदे तो ऐसे ही जा रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया। ये बंदा 65 में परचेस कर लेगा आराम से, मेरे को पता है। आइए चलो दूसरी मस्टैंग भी बिक चुकी है। भाई कार तो फटाफट से बिक रही है ऐसे ही, अपना 8 लाख हो चुके हैं वापस से। भाई मेन तो ऑडी का है भाई, ऑडी का बढ़िया वाला प्राइस चाहिए मेरे को। जब तक ऑडी का बढ़िया प्राइस नहीं मिलेगा तब तक मैं सेल नहीं करूंगा अपनी ऑडी को, कुछ भी हो जाए जब तक ऑडी का बढ़िया वाला प्राइस नहीं। भाई तू चला जा, ऐसे ही चला जा, मेरे को 7 लाख, 7,30,000 के ऊपर का प्राइस मिलेगा तो ही मैं ऑडी को सेल करूंगा भाई, तब भी अपने को अच्छा प्राइस मिलता है। 677, बहुत इतना गंदा प्राइस क्यों दे रहे हैं ये लोग मेरे को ऑडी का? मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं इतना गंदा प्राइस क्यों दे रहे हैं। 661, अरे यार ऑडी का इतना कम प्राइस क्यों दे रहे हैं ये लोग? 8 लाख, चलो निकलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चले जाओ आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात, आप भी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कस्टमर बहुत सारे आ जाएंगे, अपने को कस्टमर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे। ये 711, ये बंदा थोड़ा अच्छा प्राइस बोल रहा है, तो मैं 8,20,000 बोलता हूँ, शायद तक मान जाए। आइए चलो, एक ऑडी आरेट तो बिक चुकी है, मेरे को और प्राइस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ऑडी आरेट का। 5,50,000, व्हाट? पोस्टे का? पोस्टे का इतना ज़्यादा प्राइस मैंने कब रखा था यार? कोई दिक्कत नहीं है, दीदी को 3 लाख बोलते हैं, शायद तक दीदी मान जाए तो बढ़िया वाली बात है। दीदी नहीं मान रही है तो 2,95,000 पोस्टे का मेरा लास्ट प्राइस है, मेरे शोरूम का लास्ट प्राइस है, इससे कम में आपको नहीं मिलेगी। चले जाओ दीदी आप चले जाओ, पोस्टे का मेरे को प्राइस चेंज करना पड़ेगा। ये बंदा आया है ऑडी RR लेने। हाँ 711, ये भी बढ़िया प्राइस बोल रहा है, इनको 8,30,000 बोलता हूँ, शायद तक परचेज कर ले, शायद तक सोच रहा है मतलब कर लेगा, परचेस कर लेगा। यार ये तो गेम क्रैश हो गई, गेम सेव हो रही है, मैंने को लगा कि ये सोच रहा है बंदा। भाई ये गेम भी मेरे साथ मेरे को ट्रोल कर रही है ये गेम। अरे भाई चल फटाफट से सेव हो जा, मतलब पता चले मेरे को। हाँ चलो ले लिए भाई, बंदे ने कार तो परचेस कर ली है। ये दीदी इधर क्या कर रही है? हाँ दीदी आप बताओ, आप गैराज के अंदर आ चुकी है, आप थोड़ा भूत हो क्या भाई, आप घोस्ट हो क्या? अरे भाई मेरे को तो घोस्ट जैसी लग रही है, डायरेक्ट 295 बोल देता हूँ, ये लास्ट प्राइस है मेरे शोरूम का, इससे कम में आपको पोस्टें नहीं मिल सकती। सॉरी दीदी, सॉरी दीदी आप चले जाओ इधर से, आपको नहीं मिल सकती पोस्टे को, मैं अभी जा ही नहीं रहा पोस्टे पे, छोड़ो इधर ही ऑडी आरेट पे बात करते हैं। अभी ऊपर के माले पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ भाई, नीचे का माला कंप्लीट होगा तभी मैं ऊपर। आ ये दीदी बढ़िया वाला प्राइस देखिए, देखो 8,50,000 परचेस कर लो दीदी, बहुत बढ़िया है ऑडी RR भाई, कलर भी। आ ये भाई कितना फटाफट से बिक रही है भाई अपनी ऑडी तो। चलो ये दीदी देखते हैं ऑडी का कितना प्राइस है। 716, 8,55,000 दीदी परचेस कर लो, बहुत बढ़िया है ये ऑडी, बहुत ही बढ़िया है। अरे नहीं यार 8,50,000 दीदी फटाफट से, बहुत बढ़िया है भाई, ये कलर देखो आप इसका, आप चले जाओ, आप इज्जत से चले जाओ, आपकी काम ही नहीं है ये कार परचेस करना। ये कालिया परचेस करेगा भाई, ये कालिया भाई बढ़िया प्राइस देना कालिए, वरना इधर से ही फेंक दूंगा तेरे को। चलो बढ़िया प्राइस दिया है उसने, 8,50,000 बोलते हैं ये भैया को। हाँ भैया जी ले लो, हाँ तो आप नहीं लेना है तो आप निकल जाओ पहली फुर्सत में,
भाई ये बंदा बहुत चिकना लग रहा है गाइस, ये चिकना बंदा है, ये चिकना बंदा ले लेगा कार। चल निकल साले छपरी चिकने, कितना कम प्राइस बोला था चिकने ने। चलो तुम भी निकल जाओ, अभी तो बहुत सारे कस्टमर है भाई, आधे कस्टमर तो ऐसे ही जा रहे हैं। चलो अभी एक काम करते हैं, नीचे वाले कस्टमर को मारो गोली, अपने ऊपर वाले कस्टमर के पास चलते, ऊपर बहुत सारे कस्टमर है, ऊपर सारी ऑडी है भाई। तो पहले सारी ऑडी की डील कंप्लीट करते हैं, 5,31,000। निकल जाओ आप पहली फुर्सत में। अरे दीदी आप चश्मा वश्मा, रात को चश्मा लगा के आप भी निकल जाओ पहली फुर्सत में। भाई ऑडी का जब तक बढ़िया प्राइस नहीं मिलेगा तब तक मैं ऑडी सेल नहीं करने वाला, कुछ भी हो जाए। 7,13, ये दीदी शायद तक परचेस कर ले तो बढ़िया वाली बात है। ये मेरा बेस प्राइस है गाइस, ये मेरा बेस प्राइस है, मेरी ऑडी आर एट का बेस प्राइस है 8,50,000। इससे कम में मैं बेचता ही नहीं हूँ, इससे कम में तो मैं बेचता ही नहीं हूँ अपनी ऑडी आर एट, कुछ भी हो जाए। अरे दीदी आप यार बढ़िया प्राइस नहीं देते। अरे भाई तू यार चड्डा पहन के आ गया यार, बढ़िया प्राइस देना थोड़ी बहुत यार, थोड़ी बहुत बढ़िया प्राइस चाहिए मेरे को। आज 7,26, अच्छा बंदा दाम बोल रहा है, इनको 8,50,000 बोलता हूँ, मान जाए तो ठीक है। भाई ये तो मैंने 85 बोल दिया यार। भाई नहीं 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 नहीं, बच गया बच गया बच गया बच गया भाई, मैंने 85,000 बोल दिया था भाई, बच गया भाई, अच्छा वो मैंने बैक कर दिया, वरना वो कार ऐसे फ्री में चली जाती यार। आप चले जाओ आप चले जाओ, अरे भाई आप चले जाओ। हाँ दीदी आप बताओ, आप बढ़िया वाला थोड़ा यार। भाई ये ऑडी आर एट बिकना मेरे को बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है भाई, बहुत महंगा पड़ने भाई। ये कार तो डिस्प्ले पे लगी हुई है, इसका तो मेरे को बढ़िया प्राइस चाहिए ही चाहिए। 8,40,000 बोलता हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, 8,40,000 भी कोई कम प्राइस नहीं है। चलो निकल जाओ आप पहली फुर्सत में निकल जाओ। ऑडी का और कोई बंदा है क्या? चलो इधर तो कोई बंदा नहीं, अभी नीचे एक बार चेक करके आते हैं, नीचे कोई बंदा हो तो देखो। अपने पास 3 मिलियन और हो चुके हैं ऑलरेडी, सारे बंदे जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके सब चले जाओ। वैसे भी मैं सोने जा रहा हूँ अभी भाई, बहुत हो गया, अभी सुबह आएंगे और सुबह आके फटाफट से वापिस से सारी कार सेल करेंगे। हाँ आज मैं अपने घर पे जाके सोने वाला हूँ गाइस, आज अपने घर पे जाके सोने वाले। अपने को 3 मिलियन हो चुके हैं अपने पास, तो आज देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, मस्त जाके सोते और देखते हैं भाई। 2 मिलियन, 226 लाख का प्रॉफिट हुआ है अपने को, 26,25,000 का, ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है अपने को, जो कि बहुत बढ़िया वाली बात है भाई। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, रिकॉर्डिंग भी चेक करते रहना पड़ता है भाई, वरना फिर वाट लग जाती है। पूरा वीडियो मैं बना लेता हूँ तब मेरे को पता चलता है कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की है। चलो वापस से ऑफिस पे चलते हैं, ऑफिस अपना ओपन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे कस्टमर आने लगेंगे भाई। कस्टमरों को तो भाई अपना ऑफिस से खुला दिखना चाहिए यार, कस्टमर आने ही लगते हैं फटाफट से। चलो अभी फटाफट से कौन सी, देखो ये सारी कार मेरे को सेल करनी है, और ऊपर अभी बहुत सारी ऑडी आर एट पड़ी है, उसको भी मेरे को सेल करना है फटाफट से। ऊपर की तो पाँच ही पाँच ऑडी आर एट पड़ी हुई है भाई, पाँच ऑडी आर एट ऐसी ही पड़ी हुई है, तो उसको सबको मेरे को सेल करना है। तो भाई जैसे ही कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे फटाफट से, कस्टमर आने स्टार्ट तो हो चुके हैं गाइस, बहुत सारे कस्टमर आने स्टार्ट हो चुके हैं, सारे ऊपर ही जा रहे हैं, जो कि बढ़िया वाली बात है। थोड़ी देर वेट करते हैं, कस्टमर लोगों को आने देते हैं फटाफट से, और चलो ऊपर चलते हैं भाई। ऊपर बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं, तो अपने ऊपर ही चलते हैं डायरेक्ट, ऊपर चलते हैं फटाफट से। भाई फंस गया मैं, अटक गया, कोई बात नहीं, अपने जंप कर सकते हैं, अपने जंप करके भाई। डॉज वाइपर भी लेने आए हुए हैं बंदे यार। चलो एक बंदा तो ऑडी आर एट पे आया हुआ है, तो बंदे से बात करते हैं। बंदा अच्छे प्राइस बता यार, अच्छे प्राइस बताओ ना तुम लोग। दीदी डॉज वाइपर लेना है, देखो प्राइस देख लो आप पहले, डॉज वाइपर का कितने प्राइस में ही मिलेगा? आप 14 बोल रही है? अरे दीदी 14 मिलियन नहीं, 18 मिलियन, 18 मिलियन फिक्स प्राइस, 1.8 मिलियन इज अ फिक्स, 18 मिलियन नहीं, 1.8 मिलियन। आप चले जाओ दीदी, चुपचाप शांति से चले जाओ। ये बंदा आया है अपना पोस्टे परचेस करने, पोस्टे तो अभी बिक जाएगी यार, उससे का तो इतना मेरे को कुछ है नहीं ऐसा। बार्गेनिंग करते हैं, 295, लास्ट में 290 में तो बेच ही देता हूँ मैं पोस्टे। नहीं बंदा नहीं मान रहा है, 2,90,000। अब बंदा मान जाएगा, अब बंदा मान जाएगा, मेरे को पता नहीं माना, तो तू निकल जा बेटे, तू निकल जा, इज्जत से निकल जा इधर से। डॉज वाइपर तो अभी मेरे को सेल नहीं करनी है, पहले ऑडी आर आर सी डील करते हैं भाई, बहुत सारी ऑडी आर आर है, उसको सबको डील करते हैं। और गेम वापिस से क्रैश हो चुका है, क्रैश नहीं फ्रीज हो चुका है भाई, मैं क्रैश क्यों बोल देता हूँ बार बार, फ्रीज हो चुका है गेम, अभी पता नहीं कब स्टार्ट होगा, फ्रीज हो चुका है पर गेम। चलो हो चुका है गेम स्टार्ट, आज 7,34। भाई ये बंदी अच्छा प्राइस बोल रही है, तो 8,50,000। चलो एक ये ले लेगी दीदी भाई, ये कार सेल कर, मेरे को पता था भाई ऐसे बंदे आराम से परचेस कर लेते। भाई ये लास्ट कार में सेल करने वाला हूँ, इसके बाद में वीडियो एंड करने वाला हूँ,
बाकी जो कार है उसको अगले वाले एपिसोड में अपने सेल करेंगे, वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है। 8,50,000, 8,50,000, यस 8,50,000 कर लो परचे। ये चलो ये कार भी बिक चुकी है। काम करते हैं भाई, थोड़ा बहुत अच्छे वाले कस्टमर आए हैं तो ये कार भी अपने सेल कर देते हैं, अगर अच्छा प्राइस मिल जाएगा तो। ये बंदा भी अच्छा प्राइस दे रहा है, 8,50,000 ये बंदे को भी मैं बोलता हूँ। चल भाई फटाफट से परचेस कर ले, कर ले यार। 8,50,000 नहीं, 8,45,000, बस तेरे लिए 5,000 का डिस्काउंट कर देता हूँ मैं। और ये चलो ये भी बिक चुकी है, तो भाई ये बंदे से भी बात कर लेते हैं ना यार। क्यों यार, इतने अच्छा प्राइस मिल रहा है तो क्यों ना बात करो भाई अपने को। भाई वैसे भी अगले एपिसोड में शोरूम बनाना है और थोड़ा बढ़िया वाला। 8,45, 5,000 का ऑफर दे रहा हूँ आज मैं सबको। चलो ये ऑडी आर8 भी बिक चुकी है। अभी कौन सी ऑडी आर8 है दीदी, आप ये ऑडी आर8 परचेस कर लो, बढ़िया वाले प्राइस में मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आपको तो मैं नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए आपको तो मैं नहीं बेचूंगा। इधर बात करते हैं, इधर वही ऑडी आर8 पड़ी हुई है। प्राइस तो बढ़िया बोल रहा है बंदा, चलो 8,45,000 ट्राई कर लेते हैं। परचेस कर लेगा तो बहुत बढ़िया वाली बात है, नहीं बंदा तो चले जाओ भाई, चले जाओ। आपको 5,000 का मैंने प्रॉफिट दिया, मतलब कि आपको ऑफर दे दिया, फिर भी आप लोग ऐसा करते हो तो फिर निकल जाओ पहली फुर्सत। ओ ओ भाई ये बंदा देखो 8,70,000 में परचेस कर लेगा। भाई मेरे को लगता है 8,70,000, अरे भाई साहब ये ऑडी आर8 8,70,000 में बिकी है, समझ रहे हो भाई साहब। चलो अब ये पोस्टे को बेच देते हैं, लास्ट में ये पोस्टे बची हुई है, पोस्टे को बेच देते हैं फटाफट से। नहीं यार आंटी आप बहुत कम प्राइस बोल रहे हो, थोड़ा ज़्यादा प्राइस बोलते तो मैं आपको बेच देता ये पोस्टे। भाई ये बंदा तो मेरे को शकल से ही चोर लगता है भाई, हट ये बंदे को बेचनी नहीं है, वो बंदा मेरे को शकल से ही चोर लगता है। हाँ बंदे तू बता भाई, फटाफट से अच्छा वाला प्राइस दे। आइए तो मैं बोलता हूँ 3,10,000। आज अच्छे बंदे आ रहे गाइस, आज अच्छे वाले बंदे आए, बहुत सारे अच्छे बंदे आए। 3,10,000 नहीं तो 3 लाख, आज बहुत सारे अच्छे वाले बंदे आए, बहुत सारी कार मेरे को अच्छे अच्छे प्राइस में, मेरे को जो प्राइस चाहिए वो प्राइस में मिल चुकी है। चलो ये लास्ट वाली ऑडी आरेड ये ऊपर पड़ी हुई है, वो लास्ट वाली ऑडी आरेड बची हुई है भाई इधर ऊपर के माले पे, तो इसको भी बेच देते हैं, अच्छा प्राइस मिल जाए तो बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 594, निकल जा बे चिकने, तू तो निकल ही जा। चलो अभी डॉज वाइपर तो मेरे को अभी सेल नहीं करनी है, इसको अभी नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे सेल। एक काम करते ऑडी आरेड सारी जितनी भी है सारी सेल कर देते हैं गाइस, मैंने बोला था तो कर ही देते, अभी क्या दिक्कत है। नहीं यार नहीं, हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो भी मज़ा नहीं आती गाइस। ये बंदा देखो, ये बंदा 8,75,000, देखो ये बंदा कैसे परचेस करता है ये कार, नहीं की। हाँ तो 8,70,000 भाई, 87,000 नहीं, 8,70,000। हाँ ये बस परचेस कर ले भाई, बहुत बढ़िया डील दे रहा हूँ तेरे को, नेगोशिएट नहीं करना है तो निकल जा भाई। बहुत अच्छा प्राइस दे रहा था वो बंदा, पर मैंने गड़बड़ कर दी यार। कोई बात नहीं, और कोई बंदा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ शांति से, आपको मेरे को सेल नहीं करनी। आप बताओ भाई बढ़िया से प्राइस बताओ फटाफट से, मेरे को जाना है बाहर, फटाफट से प्राइस बताओ। आप 693, आप भी चले जाओ, आपको भी मेरे को सेल नहीं करनी है। आप बताओ भैया जी, आप बताओ। सिक्स, चलो चलो तो चलो गाइस, अभी मेरे को बहुत वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अगले वाले एपिसोड में अपने ये सारी कार भी सेल करेंगे, अपना शोरूम की अपडेट करना है तो वो भी अपने अपग्रेड करेंगे। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।